आदि पुरुष। हाल ही में आदि पुरुष का ट्रेलर लॉन्च हुआ, पर इस ट्रेलर को देखते समय उसमें कैरेक्टर्स, वीएफएक्स, एनिमेशन और कास्टिंग किए हुए एक्टर्स के मेकअप को देखते ही पुराने वाले रामायण की याद आती है, जो टीवी पर लगती थी, और वो 10-15 साल पुरानी एनिमेटेड मूवी। क्योंकि उसके मुकाबले ये आदि पुरुष इतनी खराब बनी है कि लोगों ने इसे बॉयकॉट करने का सोच लिया। पिछले कुछ दिनों से इस पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए, जो कि बॉलीवुड इसके लिए पूरा जिम्मेदार है। दोस्तों, इस साल बॉलीवुड का समय काफी बेकार चल रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की खराब एक्टिंग, नेपोटिज्म और रिलीजियस फिल्मों में की गई गलतियों की वजह से। इस मूवी में साउथ के सुपरहिट एक्टर प्रभास है, जो श्रीराम की भूमिका कर रहे हैं। इसमें प्रभास काफी अच्छे लग रहे हैं, पर जिस तरीके से इस मूवी में एनिमेशन किया गया है और प्रभु श्रीराम के कैरेक्टर में प्रभास को मूछे दिखाई है, इससे काफी लोग नाराज है, क्योंकि रामायण में कभी भी श्रीराम को मूछे नहीं दिखाई गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, सैफ अली खान का लुक जो काफी विवादित हो रहा है। आपने कई बार टीवी पर रावण को देखा होगा, जो महाज्ञानी है, जिसे वेदों का सारा सार पता है, जो एक अच्छा राजा है और लंकापति है। पर इस मूवी के रावण तो अलाउद्दीन खिलजी की तरह दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी और उसका हेयर कट तो देखो। ट्विटर पर भी लोग बोल रहे हैं कि रावण मुगल था, ऐसे कई सारे सवाल कर रहे हैं। पर क्या ये इसलिए बोल रहे हैं कि सैफ अली खान एक मुस्लिम है, या फिर वाकई में इसके कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर को बनाने की गलती है। खैर, जो भी हो, ये मूवी तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है। इसमें हनुमान जी के कैरेक्टर को भी काफी गलत तरीके से दिखाया गया है। हनुमान जी का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया है। उनका रंग, रूप, तेज कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ तक कि उनकी मूछें भी नहीं दिखाई गई। इस बात से लोग काफी निराश है और गुस्से में भी है कि उनके आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि पुराने रामायण में हनुमान जी कितने तेजस्वी और चतुर दिखाई देते हैं, उनके सिर पर मुकुट भी होता है, पर इस मूवी में वो भी नहीं दिखाया गया। साथ ही में दोस्तों, इस मूवी के वीएफएक्स की भी काफी बुराई हो रही है, क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र में स्टोरी लाइन को छोड़कर इस मूवी के वीएफएक्स की काफी तारीफ हुई है, पर आदि पुरुष में वीएफएक्स और एनिमेशन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। और यही नहीं, इस फिल्म के काफी सारे सीन को हॉलीवुड के काफी मशहूर फिल्मों से कॉपी किया है, पर ये कॉपी भी अच्छे से कर नहीं पाए। दोस्तों, यहाँ तक की क्रिएटिविटी के चक्कर में इन्होंने कई सारी गलतियाँ दिखाई है। इन्होंने रावण के पुष्पक विमान को भी नहीं दिखाया, उसकी जगह पर कुछ बेकार सा बैट्स को दिखाया है। ना तो इसमें रावण की सोने की लंका दिखाई है और ना ही कैरेक्टर्स। जो भी हो, आपको क्या कमी लगी इस ट्रेलर में, हमें कमेंट करके बता देना, क्योंकि यह रामायण है जो हमारे भारत का इतिहास है, हमारी संस्कृति है। अगर इसे नई पीढ़ी को बताना है तो इसे सही से और सच दिखाना जरूरी है, नहीं तो हमारे ये इतिहास गलत तरीके से ही आगे चला जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ।